जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पार प्रवीण, आज के वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की। यहां पर हम स्टैटिक जीके के 25 शानदार प्रश्न कवर करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, पुष्प कुमार जोशी। जो पुष्प कुमार जोशी है मित्रों, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को बताना है। और ये एक भारतीय व्यक्ति थे, भारतीय नागरिक थे जिन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमलिंसन। जो रे टॉमलिंसन थे मित्रों, इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारत ने हाल ही में थॉमस कप किस देश को हराकर जीता है। सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि भारत ने हाल ही में थॉमस कप किस देश को हराकर जीता है। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। आरआरबी डी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टैटिक जीके का, तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। तो थॉमस कप मित्रों भारत ने जीता है, आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इंडोनेशिया को हराकर। किसको? इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप जीता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग सही आंसर करेंगे, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक उपक्रम समिति। जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है मित्रों, ये भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, अपनी याद रखना है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉन्च पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्मर्स इन इंडिया के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्मर्स इन इंडिया के लेखक कौन है। तो सभी लोगों को यहाँ पर सही आंसर देना है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्मर्स इंडिया के लेखक कौन है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, आईपीएस प्रकाश सिंह। जो आईपीएस प्रकाश सिंह है मित्रों, इन्होंने द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्मर्स इंडिया लेखक की, जो लेखक है, नामक पुस्तक लिखी है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने सर्वाधिक बार फीफा फुटबॉल कप जीता है। यानी किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल कप जीता है मित्रों, सभी लोग सही आंसर देंगे, सर्वाधिक बार फीफा फुटबॉल कप किस देश ने जीता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल कप जीता है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फीफा फुटबॉल कप किसने जीता है, ब्राजील देश ने। आगे बात करेंगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में लौंग के लिए जीआई टैग दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, किस राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में लौंग के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे मित्रों, लौंग के लिए किस देश को या केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु को। तमिलनाडु राज्य को हाल ही में लौंग के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। रेल मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान समय में मित्रों। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी वैष्णव। जो अश्विनी वैष्णव है मित्रों, ये वर्तमान समय में रेल मंत्रालय के मंत्री है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा भारत में घोषित कर सकता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, मंदिर से संबंधित है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, तंजौर में। कहाँ पर स्थित है, तंजौर में, आपने याद रखना है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित नील द्वीप का परिवर्तन नाम है। तो यहाँ पर मित्रों हमको बताना है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह स्थित है, नील द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, यानी इसका नया नाम क्या रखा गया है, नील
दीपिका। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला शहीद दीप। नील दीप का नाम बदलकर शहीद दीप कर दिया गया है, आपने याद रखना है। इससे पहले इसका नाम था नील दीप, अब इसका कर दिया गया मित्रों शहीद दीप, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया। सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में कर्नाटक का एकीकरण कर दिया गया था, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो आप सभी को बताना है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा, वी एन राव, के एम मुंशी या टी कृष्णमाचारी। तो आपने सभी लोगों को सही आंसर देना है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, वी एन राव। जो वी एन राव थे मित्रों, भीमराव अंबेडकर, ये संवैधानिक सलाहकार के सलाहकार थे, अपने याद रखना है। आगे बात करेंगे किस देश की क्रिकेट टीम विश्व की नंबर वन रैंकिंग वाली T20 टीम बन गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश की क्रिकेट टीम विश्व की नंबर वन रैंकिंग वाली T20 टीम बन गई है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, भारत की जो टीम है मित्रों ये T20 में विश्व की नंबर वन रैंकिंग वाली टीम बन गई है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर, किस इटालियन पुरुष ओपन पुरुष खिलाड़ी के द्वारा खिताब जीता गया है, आपने सभी लोगों को सही आंसर बताना है। इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है आपने बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। जो नोवाक जोकोविच है मित्रों, इन्होंने इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर किंगम जो थे मित्रों, किंगम। तो आपने याद रखा है अलेक्जेंडर किंगम ने इसका भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किया था, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य मित्रों कौन सा था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। जो आपका अरुणाचल प्रदेश था मित्रों, ये 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है। कंप्यूटर शब्दावली की बात करें तो इसमें URL का जो विस्तार है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है URL का। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। जो यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर मित्रों है, ये इसका फुल फॉर्म है, आपने याद रखना है URL का, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा कराई गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा कराई गई थी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, खंडगिरी गुफाएं। जो खंडगिरी की गुफाएं थी मित्रों, इनकी खुदाई राजा खारवेल के द्वारा कराई गई थी, आपने याद रखना है खंडगिरी की गुफाएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, आपने बताना है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मरकरी को। मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, आपने याद रखना है क्विक सिल्वर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात कहां पर स्थित है मित्रों, आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑप्शन है आपके मणिपुर में, असम में, मिजोरम में या फिर मेघालय में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में आपका एलिफेंटा जलप्रपात स्थित है, आपने याद रखना है एलिफेंटा जलप्रपात स्थित है कहां पर, मेघालय में। तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आपके RRB एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ वह एक प्रसिद्ध क्या थे।
अपने बताना है। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे, राजनेता, संतूर वादक, वैज्ञानिक या फिर लेखक? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वह एक संतूर वादक थे। क्या थे मित्रों? संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह एक संतूर वादक थे। आगे बात करेंगे, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यह किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है यह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में, नेपाल, भारत या फिर बांग्लादेश में? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा है, किस देश में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत में माजुली द्वीप स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आपने यह रखना है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का निधन हो गया? किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का निधन हो गया, आपने बताना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, एंड्रूस साइडमंस जो क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के, इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन, आपने याद रखना है। और मित्रों आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, 2020 ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 का ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? आप सभी लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ में ये भी बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, कमेंट करें और मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।